दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान और बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों बेंगलोर के खिलाफ अपनी कप्तानी से बुमराह को दिलवाए 5 विकेट, फिर सूर्य कुमार यादव ईशान किशन को ऐसा कहकर जितवाया मैच, लेकिन फिर भी नीता अंबानी ने नहीं बनाया कप्तान तो आरसीबी ने मैच के बाद दे दिया कप्तान बनने का ऑफर। तो रो पड़ी नीता अंबानी ने, रोहित को अपनी टीम से जाता देख दिया नया ऑफर और फिर जो कहा वो सुनकर पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिर रोहित शर्मा को नया ऑफर देते हुए नीता अंबानी ने जो कहा है ना, वो तो जाने बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आप सभी तो जानते ही हैं कि मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल का मुकाबला वानखेड़े पर जब शुरू हुआ तो कप्तान हार्दिक पांड्या ने यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फाफ डू प्लेसिस के 61, दिनेश कार्तिक के 53 और रजत पाटीदार के 50 रन की बदौलत 196 रन जड़कर 197 रन का लक्ष्य मुंबई इंडियंस के आगे रखा। इस बीच मुंबई के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे तो 1-1 विकेट श्रेयस गोपाल और जेरॉल्ड क्वाइटजिया को मिला। अब दोस्तों जब मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हर किसी को यही लग रहा था कि मुंबई की टीम इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाएगी और आरसीबी की टीम चुनौती जरूर देगी। लेकिन दोस्तों यहां पर तो जिस अंदाज में मुंबई इंडियंस की पारी शुरू हुई और उसी अंदाज में मुंबई इंडियंस की पारी समाप्त भी हुई। हुआ ये कि यहां पर जब रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 101 रन की साझेदारी कर डाली, वो भी बस मात्र 9वें ओवर के भीतर। अब दोस्तों ईशान किशन तो यहां 69 रन बनाकर जब आउट हो गए तो रोहित शर्मा का विकेट भी 38 रन पर गिरा। लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव का फिर बल्ला चला जिन्होंने 19 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 52 रन जड़कर पूरा मैच पलट कर रख दिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहां पर हार्दिक पांड्या ने भी 21 रन की पारी खेली थी और मुंबई इंडियंस ने 7 विकेट से यह मुकाबला जीतकर आईपीएल में दूसरी जीत को अर्जित किया। हालांकि दोस्तों एक समय ऐसा था मुंबई इंडियंस का जब 3 मुकाबले लगातार मुंबई की टीम ने गवा दिए थे, लेकिन अब मुंबई की टीम वापसी करती हुई नजर आ रही है और इस मुकाबले में मिली जीत के बाद अब पॉइंट टेबल में भी मुंबई इंडियंस को काफी इजाफा हुआ है। लेकिन आपको हम बता दें कि इस मुकाबले को जिताने के सबसे बड़े हकदार तो रोहित शर्मा है। जहां रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को सलाह देकर 5 विकेट दिलवाए तो वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को, जो कि अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, उनकी वापसी करवाई। इस बीच रोहित शर्मा की टोटल कैप्टेंसी बीच मैदान पर देखने के लिए मिली। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि कप्तान हार्दिक पांड्या है लेकिन इसके बावजूद भी रोहित शर्मा पूरी मेहनत करके अपनी टीम को लगातार आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने यह समझा नहीं कि रोहित शर्मा को कप्तान तुरंत बना देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद यहां आरसीबी की टीम ने रोहित शर्मा को नया ऑफर देते हुए यह तक कह डाला कि आप हमारी टीम में आइए, आपको हम कप्तान बनाएंगे और साथ में करोड़ों रुपए भी देंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर फिर नीता अंबानी को जैसे पता चला कि रोहित शर्मा आरसीबी की टीम में जाने का विचार बना रहे हैं तो यहां पर नीता अंबानी ने रोहित शर्मा से माफी मांगते हुए कहा, मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई, हम रोहित शर्मा की इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाए, हम यही सोच में लगे हुए थे कि हम किसी भी तरह से हार्दिक पांड्या को उभरता हुआ सितारा बनाए, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि हार्दिक पांड्या, क्योंकि रोहित शर्मा ने ही हमें 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है और अब हमें रोहित शर्मा इस साल भी टीम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। रोहित आप कहीं भी मत जाइए, हम आपको करोड़ों रुपए ऑफर करते हैं और अगर हो सके तो आप हमारी टीम के लिए कप्तानी कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर फिर नीता अंबानी ने यह तक कह डाला कि रोहित शर्मा मुंबई को छोड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में ना जाए तो हम उनको करोड़ों रुपए देने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों यहाँ पर नीता अंबानी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती रोहित शर्मा को दूसरी टीम में जाता देख, वो अपनी टीम का कप्तान बनाने के लिए भी अब रोहित शर्मा को तैयार है। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि नीता अंबानी ने जो कहा वो सही है फिर गलत, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।